हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ स्टाइल विद अनीता। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे अपने किचन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अभी ही अमेजन से परचेज किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या यूजफुल आइटम्स मंगाए हैं अपने किचन के लिए। तो फर्स्ट आइटम है ये फ्रिज कंटेनर्स। ये प्लास्टिक मटेरियल में फ्रिज कंटेनर्स है और ये सेट ऑफ 4 आए थे, दो मैंने ऑलरेडी अपने किचन में यूज कर लिए हैं। ये इस तरह का है और इसकी इसका जो कैपेसिटी है 1.5 लीटर है। इस तरह से इसका लिड ओपन हो जाता है और इसके अंदर ये ऐसा एक जालीदार भी दिया हुआ है, ऐसा ड्रेनेज के लिए। कोई भी चीज़ें हम इसमें रखेंगे तो जो उसका एक्स्ट्रा वाटर होता है इसमें ड्रेन आउट होके नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। तो ये सेट ऑफ 4 थे आइटम। मैंने मंगाया है अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। कुछ इस तरह का लंच बॉक्स है और ये पूरा स्टेनलेस स्टील में ही है। इसके अंदर एक छोटा कंटेनर भी दिया हुआ है और एक बड़ा कंटेनर। इसमें एक्स्ट्रा ये फ्लिप दिए हुए हैं, अगर कोई फ्लिप इसका खराब हो जाता है तो इसे हम अटैच कर सकते हैं। और छोटे कंटेनर की भी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें बहुत सारी सब्जी वगैरह आ जाएगी। और ये जो लिड है ये भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और ये एक्स्ट्रा इसमें दिए हुए हैं, अगर कोई फ्लिप ख़राब होता है तो इसे अटैच कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये लंच बॉक्स बहुत अच्छा है। इसके पहले मैं मिल्टन का लंच बॉक्स यूज़ करती थी, वो ये भी काफ़ी अच्छा है, बट इसमें इसका जो बड़ा कंटेनर है काफ़ी अच्छा है और ये ख़राब नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन इसका ये छोटा कंटेनर है तो इसका जो ये है लिड, छोटे कंटेनर का लिड, इधर से मैं सब्जी वगैरह लीक होने लगती है। तो ये लंच बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, ये इंसुलेटेड लंच बॉक्स था, इसमें खाना काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसको मैं 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बस ये वाला लिड इसका ख़राब हो गया है, इस वजह से मुझे लंच बॉक्स बाय करना पड़ा। और इस लंच बॉक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा जो मटेरियल है 90% जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील का है। सिर्फ इसके जो ये फ्लिप दिए हुए हैं वो प्लास्टिक मटेरियल में है, बाकी पूरा लंच बॉक्स स्टेनलेस स्टील में है। और नेक्स्ट आइटम मैंने वाटर बॉटल भी परचेज किया है सत्योष के लिए। तो ये मिल्टन की वाटर बॉटल है ये, और इसके पहले प्रत्युष के लिए मैं ये इसका 600 ml वाला वाटर बॉटल यूज़ करती थी, लेकिन अभी उसको प्यास ज़्यादा लगती है तो मैंने थोड़ा बड़ा वाटर बॉटल ले लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के हिसाब से और इसमें फ्लिप वाला कैप लगा हुआ है तो बच्चों को पीने में आसानी रहेगी। और इसके अंदर का जो बॉडी है वो भी पूरा स्टेनलेस स्टील में है, तो काफ़ी अच्छी वाटर बॉटल है बच्चों के लिए। और प्रतीक को ब्लू कलर पसंद है तो सभी चीज़ें वो ब्लू कलर की ही मंगाता है, तो दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ मंगाई हुई है, एक केक स्टैंड, बहुत ही प्यारा है ये। और ये देखिए ये कुछ इस तरह का है और ये इस तरह से इसके डिटैच भी हो जाता है, तो आप इसको एज ए केक स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रे, और इसमें कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख के आप अपने सेंटर टेबल में रख सकते हैं या डाइनिंग टेबल में रख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। क्लीनिंग में भी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि ये पूरा डिटैच हो जाता है। और ये आयरन मटेरियल में है और इसमें गोल्ड
है ये मेटल की फ्रूट बास्केट, ये मेटल के हैवी मटेरियल में बनी हुई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसे आप डाइनिंग टेबल में या किचन काउंटर टॉप में रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रही है ये। लास्ट आइटम है एक कैसरोल सेट, सर्विंग सेट इसे आप कह सकते हैं। ये ग्रीन सेप का 3 पीस का कुक एंड सर्व सेट है, और ये इसमें ये इस तरह का है, और इसके सेट ऑफ 3 हैं, और इसकी लिड जो है ना ग्लास मटेरियल में, तो अपन लिड है, अलग से इसके 9 दिए हुए हैं, तो उसको अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने अमेजन से की है, और सभी आइटम्स का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।